सिंगरौली में पुलिस ने जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अपनी टीम के साथ सड़कों पर निकले और कहा कि बाइक चालक हेलमेट लगाने और यातायात के नियमों का पालन करे। वहीं उन्होंने लोगों को आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए भी समझाइश दी। बढ़ती सड़क और आपराधिक दुर्घटनाओं को देखते हुए सिंगरौली पुलिस ने जन जागरूकता अभियान निकाला, जिसके तहत सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ सड़क पर निकले। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट जरूर पहने और सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें, जिससे सड़क दुर्घटना की संभावना कम हो। पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न सड़कों पर यातायात व्यवस्था का जायजा भी लिया। वहीं उन्होंने दुकानदारों को अपनी दुकानों में सामान व्यवस्थित रखने और हर दुकान में CCTV लगाए जाने की समझाइश दी। इस दौरान पूरी पुलिस टीम और व्यापार मंडल अध्यक्ष राजाराम केसरी के साथ स्थानीय नगर निगम के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने, बाजार व्यवस्था को नियमित करने, व्यवस्थित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सिंगरौली आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार सिंह साहब, एडिशनल SP साहब हमारे, CSP साहब और थाना कोतवाली का संपूर्ण बल, हम सभी लोग आज शहर में जो हमारा थाना रोड है उससे अम्बेडकर चौक, अम्बेडकर चौक से सराफा रोड, सराफा रोड से काली मंदिर, काली मंदिर से न्यायालय होते हुए टाकीज तिराहा तुलसी मार्ग, इन सभी महत्वपूर्ण जो हमारे बाजार के क्षेत्र हैं उनमें भ्रमण किया गया। और बीच बीच में जो जैसे हमारा अम्बेडकर चौक है या टाकीज तिराहा है, वहाँ पर जो वाहन चालक हैं, बाइकर्स हैं, उनको जो हेलमेट के बिना अपना सवारी कर रहे थे, उनको भी समझाइश दी गई कि वो हर हाल में हेलमेट पहने। तो कुल मिलाकर के आज ये जो बाजार को व्यवस्थित करने और जो बिना हेलमेट के वाहन चालन कर रहे हैं उनको समझाइश देने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में ये पैदल मार्च निकाला गया था। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।